वन ऑफ द न्यू इंपॉर्टेंट चैप्टर एटम्स और एटम। एटम की स्टार्ट करने के बाद जस्ट हम न्यूक्लियस के बारे में जाएंगे क्योंकि एटम के अंदर ही न्यूक्लियस आता है। अरे रे 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 रे, तो एटम क्या होता है, एटम क्या होता है ये सबको मालूम है, एटम क्या होता है जो कि क्लास 8, 7, 6 भाई सब में पढ़े हैं एटम क्या होता है। आप जो चीज यूज किए हो एटम, आप जिससे बने हो, आप तो सेल से बने हो ऐसे, तो फिर भी सेल भी एक टाइप के क्या है, आइटम ही है, आइटम नहीं एटम। ठीक, तो व्हाट आर एटम्स, तो पहला क्वेश्चन यही आता है भाई एटम क्या होता है। फिर भी जिसको नहीं पता उसके लिए, एटम्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स, मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एटम। बिल्डिंग ब्लॉक बोलने के मतलब है कि ये एक टाइप से छोटे 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 ईटे टाइप के होते हैं जो कि पूरे के पूरे मिल मिल के जुड़ जुड़ के पूरे के पूरे एक मैटर को बनाते हैं, ये मार्कर को बनाते हैं। ये मैकर मार्कर में छोटे 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 प्लास्टिक्स के एटम्स हैं जो कि ये मिल करके पूरा प्लास्टिक्स को मिले हैं। ये मैंने इसमें से ये लिखा भाई, ये ऐसे लिखा, हाँ इसमें जो छोटे 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 बहुत सारे एटम्स होंगे जो मिल करके ये एम को बना रहे हैं, ये एटम लिखा इसको बना रहे हैं। तो सिंपली एटम्स का अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलना चाहते हो तो एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट मैटर्स, डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स के डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एटम्स। तो सिंपल आगरी में जोड़ लो या फिर शुरू में जोड़ो, डिफरेंट जोड़ लेना अच्छा लगता है। देखो डिफरेंट एटम्स आर द डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट मैटर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स को भी बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एटम्स की जरूरत पड़ती है, और एटम्स ही किसी मैटर को फॉर्मेशन करते हैं और किसी मैटर को फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम देख पाते हैं, एटम को हम नहीं देख सकते। चलो तो एटम, एटम की थ्योरी क्या है, एटम को पहली बार किसने डिस्कवर किया, तो ये सारी चीजें स्टार्ट करते हैं। एटम का पहला स्ट्रक्चर या फिर एटम की डिस्कवरी थॉम्सन्स मॉडल के द्वारा की गई थी, और जिसे थॉम्सन्स ने किया था। सिंपली थॉम्सन्स एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन खोज किए भाई उनके पास तो भाई करियर ही करियर, ठीक है, उनके पास तो फील्ड ही फील्ड क्रिएट हो गए। उन्होंने एक एटम का खोज किया, कैसा, उन्होंने अपना खुद ही एक एटम की थ्योरी दी, थ्योरी भले ही वो थ्योरी रॉन्ग हो, बाद में जाके प्रूव हो गई हो कि ये रॉन्ग है, बट उन्होंने थ्योरी तो दी। चलो तो फाइनली को बकवास हम नहीं करते, अब आते हैं पूरे पूरे फोकस होते हैं अपने पॉइंट के साथ और स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, एटम। ठीक, थॉम्सन्स ने पहली बार इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की। अब इलेक्ट्रॉन्स की जब उन्होंने डिस्कवरी कर ली तो उन्होंने ऐसा एक प्रपोज किया दैट एटम शुड बी लाइक दिस और एटम शुड बी लाइक दिस। उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही एटम की एक थ्योरी क्रिएट की, एक हाइपोथेटिकल थ्योरी कि एटम शुड बी लुक लाइक दिस, मतलब एटम हो सकता है ऐसा दिखता हो। उन्होंने अपनी थ्योरी के हिसाब से ये कहा कि दैट एटम एक तरबूज टाइप का दिखता है, क्या दिखता है, पाम्स ऑन प्लैडिंग्स, ठीक है, इसके टाइप दिखता है, मतलब एक एटम कुछ इस तरह का स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर ही पूरा का पूरा पॉजिटिव से बना होता है, पॉजिटिव से ये स्ट्रक्चर बना होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर, और इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से एम्बेडेड होते हैं, फिक्स होते हैं, एम्बेडेड यानी होता है एक जगह पे फिक्स होना, इस तरह से चारों तरफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स फिक्स रहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स फिक्स रहते हैं तो क्या ये अपनी जगह से मूव नहीं करते, नहीं ये अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं, बट एक कंडीशन है कि अपनी ही जगह पे ये ऑसिलेट जरूर करते हैं, क्योंकि अपने को एटम का जो एग्जैक्ट अभी मालूम है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ दिन भर घूमते रहते हैं। बट थॉम्सन्स ने ये कहा था कि दैट इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे फिक्स रहते हैं, एक जगह पे एम्बेडेड रहते हैं, बट वो जिस जगह पे प्रेजेंट रहते हैं उसी जगह पे ऑसिलेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं उसी जगह पे। ऑसिलेट करने का मतलब है वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं, अपनी ही जगह पे हिलते रहते, घूमते रहते, थोड़ा 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 ऐसे ऐसे करके हिलते रहते, बट वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होते, ये उन्होंने
कहा था। थॉमसन मॉडल के हिसाब से, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कि पूरा का पूरा एटम एक तरबूज है। खाओ पियो भाई, जिस तरह से तरबूज में क्या होता है, तरबूज को बीच से कट करो, आपको चारों तरफ रेडिश रेडिश लुक देखने को मिल जाएगा और बीच में दाने 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 इस तरह से दाने दाने देखने को मिल जाता है। और उसी दाने को उन्होंने ऐसा इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दी, और जो अपने पास पूरा का पूरा सरफेस है उस पूरे सरफेस को उन्होंने पॉजिटिव चार्ज बना दिया। ठीक, चलो अब जे जे थॉमसन मॉडल के हिसाब से पूरा का पूरा एटम एक टाइप का पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ होता है। ये इस तरह से दिखता है, जैसे कि पाम पडिंग बोला जाता है, पाम पडिंग, पी पाम पी एल यू डबल डी आई जी पडिंग, इसको पाम पडिंग मॉडल भी लिखा, ठीक है। इसे एक टाइप का पाम पडिंग मॉडल भी बोला जाता है, मतलब पाम्स ऑन प्लड्स, ठीक है, प्लांट्स ऑन द प्लडिंग्स, यानी बोलते हैं ना जैसे तरबूजे को, ठीक है, तरबूजे जिस तरह से इसे एज अ एक लैटिन वर्ड है ये पाम्स ऑन प्लडिंग, तो उसी तरह से एक मतलब एक पूरे के पूरे स्फेरिकल सरफेस में बहुत सारे दाने 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 टाइप का होता है, उसे पाम्स ऑन प्लडिंग बोला जाता है और इसे पाम्स प्लडिंग मॉडल भी बोला जाता है। तो एग्जैक्टली इसमें कंफ्यूज मत होना, कई बार ये एग्जाम में बोल देता है, तो एग्जैक्ट याद रखना है अपने को, ठीक। तो अब ये इसके फैक्टर्स के हिसाब से क्या उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर पाया थॉमसन मॉडल ने? जी हाँ, उन्होंने ऐसा उन्हें हाइपोथेटिकली बहुत सारी चीजें बोली। कैसी चीजें? जैसे कि उनसे पूछा गया कि भाई ठीक है ऐसा आइटम हम मान लेते हैं, चलो तो कुछ आंसर के जवाब दो। तो बोलो, वो बोले, उन्होंने बोला बोलो, मैं इलेक्ट्रॉन की खोज कर सकता हूं तो क्यों नहीं बता सकता। अरे चलो, तो फाइनली उन्होंने उनसे पूछा गया पहला क्वेश्चन भाई कि चलो बताओ, ठीक है, तो फिर कोई भी एटम लाइट कैसे एमिट करता है, ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हमें चारों तरफ लाइट किस कारण से दिखती है, लाइट दिखती है एटम में जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेशन स्टेट से लोअर स्टेट में जाते हैं तो लाइट एमिट करते हैं, और लाइट के कारण हमें चारों तरफ एक रोशनी दिखाई देती है। तो यहाँ कैसे होता है, उस समय ऐसी पर से भी ये कॉन्सेप्ट मालूम था कि लाइट मिलता है, अब ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम था कि यह आविष्कार कैसे होता है। तो जे जे थॉमसन ने ये बोला, जे जे थॉमसन ने ये बोला भाई कि ये जो एटम्स होते हैं, एटम्स के पूरा का पूरा एटम एक पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ही जगह पे ऑसिलेट करते हैं। अब वो ऑसिलेट करने के कारण वो एक लाइट एमिट करते हैं जो आपको देखने को मिलती है। पहला क्वेश्चन का जवाब दे दिया भाई, वेरी गुड भाई, मजा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया भाई कि चलो ठीक है, तो एटम कैसे, एक एटम न्यूट्रल कैसे हो सकता है, एटम हाउ एटम इज न्यूट्रल, एक एटम न्यूट्रल कैसे है, क्योंकि एटम अगर न्यूट्रल है तो इसीलिए तो न्यूट्रल है, क्योंकि न्यूट्रल है तभी तो ब्लास्ट नहीं हो रहा, अगर वो एटम न्यूट्रल नहीं होता तो ब्लास्ट हो जाता, तो उसको एक्सप्लेन करो। तो उन्होंने बोला कि एज अ एटम एक न्यूट्रल है, तो पूरा का पूरा सरफेस, मतलब अगर एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो एटम्स में प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वैसा उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं क्योंकि उसे उनका पूरा सरफेस ही प्रोटॉन है, तो एज जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंग्स में सरफेस पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब इसके चार्ज रहने के कारण पॉजिटिव चार्ज एटम का और नेगेटिव चार्ज एटम का इक्वल होता होगा, इसी कारण से एटम पूरा का पूरा न्यूट्रल होता है। दूसरा का भी आंसर दे दिया भाई, वाह 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 वाह, चलो मजा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया, चलो तीसरा क्वेश्चन का जवाब दो, अभी 50 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया भाई कि ठीक है ये सारी चीजें ठीक है, तो आप एक काम करो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? देखो, हाइड्रोजन जनरली एक्साइटेशन स्टेट में लाइट एमिट करता है, एक स्पेक्ट्रम शो करता है, स्पेक्ट्रम पास शो करता है, जो जस्ट आगे हम जाके पढ़ेंगे, लामन सीरीज, पाशन सीरीज, बाकन सीरीज, ये सारी चीजें। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करो, तो ये उन्होंने बोला भाई ये कैसे होगा, आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कैसे एक्सप्लेन करो भाई, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन, नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए,
ये बन गया इनका एक ड्रॉबैक। ऐसी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जो कि ये जे.जे. थॉम्सन्स मॉडल के हिसाब जे.जे. थॉम्सन्स मॉडल के ऊपर था। दैट ये भी एक्सेप्ट नहीं किया गया कि दैट हो कैसे हो सकता है कि अगर एटम्स अपनी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा वो लाइट एनर्जी को एमिट नहीं कर सकते। ये एक सारे कॉन्सेप्ट को भी पूरी तरह से माना नहीं गया और साइंटिस्ट आगे निकल गए भाई कि कोई और अच्छा मॉडल आए जिससे हमें और ज़्यादा एक स्टेबल एटम का छवि देखने को मिले, पर अभी तक अपने को नहीं मिला। अब जे.जे. थॉम्सन्स का ही एक स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, RUTHERFORD, ठीक है, रदरफोर्ड, स्पेलिंग देख लेना रदरफोर्ड, ठीक, रदरफोर्ड, इर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो कि जे.जे. थॉम्सन्स के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये पाया कि दैट, इससे पहले एक और बात कि दैट उन्होंने एक चीज और बोला था जे.जे. थॉम्सन ने, उसी के कारण ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो पाया, नहीं तो शायद तक शायद ना खोज करते वो। देखो, जे.जे. थॉम्सन ने बोला कि दैट एटम में बहुत कम ही फ्री स्पेस होता है, एटम के अंदर बहुत कम ही फ्री स्पेस होता है। अगर कोई भी रेज जो एटम के पॉजिटिव रेज अगर एटम के थ्रू पास की जाती है तो डिफ्लेक्ट इसलिए कर जाती है, मतलब उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है या फिर डिफ्रैक्शन होता है वो बहुत ही लेस होता है, क्योंकि इसमें एक वीक इलेक्ट्रिक फोर्स प्रेजेंट होता है। इस वीक इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ही कोई भी अगर पॉजिटिव रे इसके तरफ आती है तो स्मॉल एंगल थीटा से वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, इस वीक इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। तो ये कॉन्सेप्ट को उन्होंने बोल दिया। तो रदरफोर्ड ने फर्दर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टडी किया और उन्होंने इसी के थ्रू एक एटम लिया। एटम कौन सा एटम कलेक्टिवली किस एटम में या फिर किस सील के ऊपर उन्होंने किया था, गोल्ड फॉइल के ऊपर किया, ठीक, अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट अभी जस्ट इसके बाद स्टार्ट करेंगे। अब उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल रे पास कराया और फर्दर ये बताया कि साइंटिस्टों को ये अपन एक्सप्रेस किया, ये पेटेंट कराया कि दैट एटम्स में बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस होती है, पर जे.जे. थॉम्सन ने बोला था कि एटम में बहुत ही कम फ्री स्पेस होती है। तो ये कॉन्सेप्ट के कारण नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का हुआ और एक रदरफोर्ड का कामयाबी भरी एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको हम इसके जस्ट बाद देखेंगे। चलो, तो किस तरह से रदरफोर्ड ने गलत प्रूव किया, ये इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स का टेंशन मत लेना, उसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पासवर्ड है जेपी वर्ल्ड, ठीक है, पीडीएफ को खोलने के लिए बाद में बोलना मत कि पीडीएफ खुला नहीं। नेक्स्ट हो गया, चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो नेक्स्ट सेशन में टॉपिक स्टार्ट करते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को और कुछ फेमस नामों से जाना जाता है, जैसे रदरफोर्ड एंड जॉर्ज मार्सेंट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसी एक्सपेरिमेंट को और एक फेमस नेम से जाना जाता है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो तीनों नाम से हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दिया तो एक्सप्लेन करो, बट ये बहुत कम ही पूछता है बोर्ड में, हो सकता है आपकी खराब किस्मत हो तो पूछ दे, अच्छी किस्मत हो तो भी पूछ दे। चलो, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझते हैं। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को मेनली जे.जे. थॉम्सन्स के तीन स्टूडेंट रदरफोर्ड, जॉर्ज एंड मार्सेंट ने मिल करके ये एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। इस एक्सपेरिमेंट के अंडर उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि दैट एटम्स में बहुत ज्यादा फ्री स्पेस प्रेजेंट होता है, जो कि जे.जे. थॉम्सन ने बोला था कि उसमें फ्री स्पेस बहुत कम होता है, इसी बात के ऊपर ये कॉन्सेप्ट था। तो रदरफोर्ड और उनके फ्रेंड्स ने फर्दर इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किस तरह से किया था, तो उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए एक पार्टिकल का इस्तेमाल किया था जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल। तो सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, भैया अल्फा पार्टिकल होता क्या है, फ्रेंड्स व्हाट आर अल्फा पार्टिकल, PARTICL, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स को आप सिंपली बोल सकते हो ये एक हीलियम का न्यूक्लियस होता है।
हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जनरली जो कि हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। मतलब अगर हीलियम के एटम से जो उनका दो इलेक्ट्रॉन्स है या फिर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स को या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो और जो एटम अपने पास कंप्लीटली अभी बचेगा वही एटम्स क्रिएट करेगा अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स मेनली हाईली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? देखो अल्फा पार्टिकल्स मेन कॉन्सेप्ट यहां लेने का एक कारण है कि दैट इससे क्योंकि ये इसका मेन लेने का कारण क्या है भाई ये चलो सुनो। देखो मेन लेने का कारण यह है कि थॉमसन ने क्या बोला कि पूरा का पूरा एटम ही पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इन्हें प्रूफ क्या करना था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि दैट ये एटम के अंदर और बहुत सारे ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट होते हैं। इस ब्लैंक स्पेसेस को पता करने के लिए उन्होंने पॉजिटिव चार्ज का इस्तेमाल किया क्योंकि अगर पूरा का पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज है अगर उसमें ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट नहीं है तो अल्फा पार्टिकल उसके थ्रू पासाई नहीं हो पाएगा। ठीक है और जो अपने पास अगर अल्फा पार्टिकल पास नहीं हो पाएगा तो इससे मालूम चल जाएगा भाई कि यहाँ पास ब्लैंक स्पेस नहीं प्रेजेंट है। अगर पास हो गया तो अपने को मालूम चल जाएगा कि क्या है यहाँ पास ब्लैंक स्पेसेस प्रेजेंट है। तो इसी चीज को चेक करने के लिए उन्होंने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था। इससे पहले मैडम क्यूरी साहब ने भी यही किया था। मैडम क्यूरी ने भी यही किया था एक फीमेल साइंटिस्ट थी बट उनको ये मालूम नहीं था कि अल्फा पार्टिकल्स हाईली डेंजरस होते हैं। इसी कारण से उनकी अल्फा पार्टिकल रेडिएशन की वजह से उनकी मौत हो गई थी। चलो तो कौन सा छोड़ते हैं अपने ही तो अपने को रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट समझना है। तो आप ये पूरा का पूरा लेने का कारण भी समझ आ गया अल्फा पार्टिकल ही क्यों लिए और कोई पार्टिकल्स क्यों नहीं लिए क्यों। और अल्फा पार्टिकल लेने का एक और कारण था कि दैट इसे इजली स्ट्रिप बाय स्ट्रिप्स में प्रोड्यूस किया जाता मतलब स्मॉल इंटरवल्स में प्रोड्यूस। अभी एक बार अल्फा पार्टिकल भेजे फिर वापस थोड़ा देर बाद दूसरा अल्फा पार्टिकल्स भेज सकते। अब अल्फा पार्टिकल जैसे ही वो पूरे के पूरे जिंक सल्फाइड रेड एनएस का एक सरफेस था ठीक है जिंक सल्फेट का। अब उस सरफेस पे जैसे ही वो टकराता तो वहां एक लाइटनिंग प्रोड्यूस स्पार्क प्रोड्यूस करता था। इससे मालूम चल जाता था कि हाँ भाई यहाँ पास गिरा फिर उस एंगल को उन लोग चेक कर लेते थे। ये पूरा का पूरा इस तरह से एक्सपेरिमेंट था। अब एक्सपेरिमेंट किस तरह का है उसको समझते हैं पर इससे पहले एक चीज और समझ लेना कि दैट अल्फा पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैवी मास वाले होते हैं। इनका करीब करीब मास प्रोटॉन से 4 गुना ज्यादा होता है। प्रोटॉन का मास 1 है तो इसका 4m है। ये भी है समझ गए लोग आगे जाके क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो उसके लिए कि अभी से क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट सीरीज उन्होंने किस तरह से किया था फर्दर क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स के लिए लिया था क्या क्या कंडक्ट किया था कैसे इस पूरे एक्सपेरिमेंट को उन्होंने पूरा किया था। इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया था जैसे कि एक सोर्स ऑफ पार्टिकल का एक सोर्स ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसी में उन्होंने एक कोलिलेटर का इस्तेमाल किया था। फर्दर इसी में उन्होंने जिंक सल्फाइड का भी इस्तेमाल किया। जादू चलो क्रिएट हो गया। अब देखो ये पूरा का पूरा एक सेटअप है जो मैंने बना दिया है। अब इस सेटअप को समझ लेते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। फर्दर उन्होंने एक सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल्स का। लेड कैविटी एक सोर्स ले लिया ठीक है। लेड कैविटी क्या करता है अल्फा पार्टिकल्स रेस को एमिट कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल रेस को प्रोड्यूस करने में मदद करता है ये इसका काम है। नेक्स्ट आप दो लेड्स की ब्रिज भी क्रिएट कर दी। इसका कारण क्या है देखो ये ब्रिज इसलिए क्रिएट की गई ताकि जो भी रेज आए ये ऐसा मैंने तो शेप बहुत बड़ा बना दिया है ये शेप ना कुछ ऐसे माइक्रोज में ही रहता है ठीक है ना एकदम बहुत छोटा सा ही स्पेस ऐसे रहता है। अब इस स्पेस के थ्रू ताकि रेज इसी स्पेस के थ्रू निकले अगर यहां से कहीं बाहर निकलती है तो इसमें टकरा करके इसी में एब्जॉर्ब हो जाए ताकि बाहर एयर एटमॉस्फेयर पे ना जाए ताकि किसी को खतरा ना हो ठीक है जान जून का। चलो
तो यहां पास से हमने एक अल्फा पार्टिकल्स की रे आगे भेजी। अब इसके बाद इस सेटअप को समझ लेते हैं, फिर क्या हुआ यह भी समझ लेंगे। यहां पास एक सर्कुलर स्क्रीन प्रेजेंट था, यह सर्कुलर स्क्रीन पूरा का पूरा बना हुआ था जेड सल्फाइड ZnS से, ठीक है। ZnS इसलिए यूज किया गया था क्योंकि ZnS मेनली हाईली कैपेसिटी रखता है अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने की, ठीक। बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं वो अल्फा पार्टिकल्स को उतनी एक्यूरेट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते और अल्फा पार्टिकल्स के थ्रू बाहर आ जाता है, और बाहर अगर उस ब्रिज के बाहर आ गया तो इंसान को हार्मफुल कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पास ZnS के इस्तेमाल किया गया था ताकि जहां पास भी स्क्रीन आए तो ये अल्फा पार्टिकल यहीं पास रुक जाए और स्पार्क कर दे, ताकि अपने को एक लाइटनिंग प्रोड्यूस कर दे और ये इसे भी मालूम चल जाएगा कि जहां पास स्पार्क किया भाई कि वहां कहां है, फिर उस एंकल को चेक कर लेंगे ताकि हमें मालूम चल जाए क्या क्या आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। बीचों बीच में हमने एक बहुत पतली सी गोल्ड फॉइल लिया, ये गोल्ड जनरली एक गोल्ड का एक पूरा का पूरा थिन सीट है इस तरह से, और ये थिन सीट बहुत ज्यादा पतली है, कितना, बहुत ही ज्यादा पतली है। अब इस पतले से गोल्ड फॉइल के थ्रू पूरा सेटअप समझ आ गया। इसके आखिरी में एक और है, ये एक मूवेबल एक माइक्रोस्कोप का भी इस्तेमाल किया, मूवेबल स्कोप या डिटेक्टर भी बोला जाता है इसे। इसका इस्तेमाल करने का जरूरत क्या था कि अपन ये फाइनली कंफर्म कर सके कि रेज आई तो गिरी कहाँ और गिरी यहाँ, तो ये एंगल फाइनली उस एटम के सेंटर से कितना एंगल क्रिएट कर रहा है ये। तो ये सारे का सारा एक्सपेरिमेंट सेटअप था। अब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ आ गया हो तो जस्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमने शुरू में ही जस्ट एक अल्फा पार्टिकल्स की बीम पास कराई। अब ये अल्फा पार्टिकल की बीम भर से ऐसे निकली और इस एटम को यहाँ बीचों बीच चीर के निकल गए, ठीक। अभी जब एटम के बीचों बीच से निकली तो इस एटम की के थ्रू अपने को मालूम चल गया कि भाई ये एटम से तो फर्र से पास हो गई, आगे निकल गई, ठीक। अब ये एटम से जब बाहर निकल गई, मान लो ये बहुत कम यानी थीटा डिफ्लेक्शन शो कर रही, डिफ्लेक्ट की, थीटा एंगल क्रिएट की और इस लेड जिंक सल्फाइड की सरफेस पे गिरी। जिंक सल्फाइड की जैसे ही सरफेस पे गिरेगी तो एक लाइटनिंग ये शो करेगी और अपने को मालूम चल जाएगा लाइटनिंग यहाँ से हुआ भाई, तो यहाँ पास मूवेबल माइक्रोस्कोप लाएंगे और चेक करेंगे कि भाई हाँ ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक। इस थीटा एंगल को कंपेयर कर लेंगे, थीटा एंगल को कलेक्ट कर लेंगे। ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट था अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट का। बट अल्फा पार्टिकल स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान उन लोगों को क्या क्या चीजें मालूम चली, देखो रदरफोर्ड और उनके फ्रेंड्स ने काफी चीजें कलेक्ट की, काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। जैसे कि क्या इंफॉर्मेशन, कि उन्होंने करीब करीब बहुत सारी ऐसी रेज पास कराई, इससे ये मालूम चला कि ज्यादातर रेज तो अनडिफ्लेक्टेड होते हुए एकदम सेंटर से इसी तरह से पास, ठीक। मान लो ये अपने पास जिंक की फॉइल है, यहाँ पास इस एटम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये डायरेक्ट इसी तरह से पास होगी, कुछ भी एंगल ये क्रिएट नहीं की, एकदम जिस तरह से एंगल से आ रही थी उसी एंगल से एकदम स्ट्रेट टू स्ट्रेट चली गई। और इसमें से कम बहुत कम ही, ठीक है, लेस देन 0.14% आई थिंक सो, ठीक है, 0.14% ही इसमें से थीटा एंगल या फिर थीटा इज इक्वल्स टू 1 degree, ठीक है, 1 degree, थीटा इज इक्वल्स टू 1 degree से डिफ्लेक्ट हुई। इसमें से बहुत ही कम, मतलब करीब करीब 0.14% ही थीटा इज इक्वल्स टू 1 degree एंगल से डिफ्लेक्ट, मतलब 1 degree एंगल से ये डिफ्लेक्ट हुई, ठीक। और बाकी जो बची करीब करीब, ये अनुमान लगाया गया उनके द्वारा दैट एवरेजली 8000 रेज अगर हम भेजते हैं अल्फा पार्टिकल्स की, तो उसमें से एक या दो ही रेज या तो 90 degree से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं या तो 180 से वापिस आ जाती है, ठीक। 90 degree या फिर सिंपली बोलो 180 बोलो या फिर डायरेक्ट जीरो बोल दो, ठीक है, जीरो बोलोगे तो एकदम स्ट्रेट चली जाएगी, जीरो मत बोलो, 180 ये करीब करीब 8000 में से
एक ही ऐसी रेज होगी जो तो 90 डिग्री शो की होगी या फिर 180। अब ऐसा कैसे केस आया होगा? ये केस आया होगा तब जब अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के एकदम करीब से गया होगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियस के एकदम करीब से गया होगा तभी ये अल्फा पार्टिकल्स बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन शो की। मान लो ये अपने पास इतना बड़ा कलर चेंज करते हैं, मार्कर पर रुको दो मिनट, एक एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं भाई, टाइमिंग हो जाएगा तो हो जाएगा, समझिए ये मेरे पास एक एटम है, इस एटम में ये छोटा सा न्यूक्लियस है। अब मैं यहाँ पास से बहुत सारी रेज ऐसे पास करा रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जिससे एकदम फिल्म फिल्म निकली जा रही है। अब ये जो रेज एकदम से पास गई, यही वाली रेज को ले लो, ठीक है, अब ये जो एकदम से पास गई, ये थोड़ा सा थीटा एंगल, थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, इस थीटा एंगल से यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गई। अब हो सकता है इसी के जस्ट नीचे से मैंने एक रे गिराई जो एकदम से इस पे आके गिरी, ठीक है, क्या हुई, एकदम से सेंटर पे आके गिरी, सेंटर पे मतलब न्यूक्लियस के एकदम सेंटर पे, तो न्यूक्लियस के सेंटर से वो कभी भी टकराएगी नहीं, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है, टकराएगी तो बिल्कुल नहीं, टकराने से जस्ट पहले ये क्या हो जाएगी, वापिस जिस पाथ में आ रही थी, मतलब ये न्यूक्लियस है जिस पाथ में, जैसे इस पाथ में आ रही थी तो इसी पाथ में वापिस लौट जाएगी। ऐसा कैसे होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज, और दोनों ही पॉजिटिव चार्ज, तो एक दूसरे के पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपल करते हैं, तो एक दूसरे को ये रिपल कर देंगे और ये बिल्कुल ही जिस डायरेक्शन में रे गई है उसी डायरेक्शन में वापिस आ जाएगी, मतलब 180 डिग्री पे वापिस आ जाएगी, 180 डिग्री पे वापिस आ जाएगी रे, ठीक। एक तो ये एंगल, अब 90 वाला केस कब बन रहा होगा, थीटा वाला भी समझ लिया, थीटा वाला जब एकदम पास से गया होगा तब थीटा बना होगा, 90 कब, 80 बना होगा जब एकदम डायरेक्टली गया होगा, और 90 तब बनेगा जब कोई भी रे है और ये एकदम से कॉर्नर से गई और कॉर्नर पे टकराई, ठीक है, कॉर्नर पे टकराई होगी, और तो यहां पास केस हो सकता है कि ये 90 डिग्री क्रिएट किया होगा, एक तो ये आ जाता है, ठीक है, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स आ जाएंगे फर्दर तीन, और ये थीटा बता दिया, 90 बता दिया, 180 बता दिया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केस आए होंगे, ठीक। तो ऐसा बहुत कम ही देखने को मिला, करीब करीब 8000 में से एक या दो ही ऐसा, तो इससे ये अनुमान लगाया गया कि ज्यादातर रेज जो है वो अनडिफ्लेक्टेड हुए बिना ही एटम से बाहर निकल गई। इससे कंक्लूजन में ये आया कि दैट एटम के अंदर बहुत ज्यादा फ्री स्पेस प्रेजेंट होता है। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई यहाँ तो सेल्स में इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाले, गोल्ड का कोई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाला, नहीं डाला, क्यों, इफेक्टेड एक भी रत्ती इस एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है अल्फा पार्टिकल के साथ। देखो प्रोटॉन के हिसाब से भी देखोगे तो प्रोटॉन का कितना होता है, 10 to the power 11 होता है, ठीक है, सॉरी 10 to the power 21, और वही इसका कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स का, 10 to the power -31, बाप रे कितना कम है, बहुत कम है, ठीक है। उसी तरह से अगर यहां तो बात करेंगे अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल तो और 4 गुना ज्यादा मास है, प्रोटॉन के ही 4 गुना मास से ज्यादा है, तो ये इनका इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होने के कारण, यानी निग्लिजेबल मास होने के कारण ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे इस एक्सपेरिमेंट यानी अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर, तो इनके कारण कोई डिफ्लेक्शन अपने को देखने को मिलेगा ही नहीं, इसलिए अल्फा पार्टिकल्स को ही लिया गया था, ये भी एक कारण आ जाएगा। तो ये कंक्लूजन में क्या है कि दैट बहुत सारा फ्री स्पेसेस प्रेजेंट है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रेज थी जो गई सीधा और बिना कोई डिफ्लेक्शन के ही आगे निकल गई, ठीक। अब इसमें एक पॉइंट, तो ये सारा कंक्लूजन पॉइंट हो गया, बाकी जो निष्कर्ष में निकला वो तो अपने को समझ आ गया, और इसके बाद अपने को एक चीज और इसी में मालूम चली कि दैट अगर बीचों बीच से कोई रेस जा रही है और 180 डिग्री या 90 डिग्री में या फिर कोई थीटा एंगल क्रिएट करके थोड़ी बहुत भी डिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका कारण साफ सा है कि वहां कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा और उसी पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियस
की संज्ञा दी गई, मतलब न्यूक्लियस को नाम दिया गया न्यूक्लियस, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज एक कोर प्रेजेंट होगा जो कि इस सारा कंडीशंस को कारण बन रहा होगा, और उसी पॉजिटिव चार्ज को कोर को न्यूक्लियस कहा गया। कंप्लीट ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट समझ आया। अब इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है दैट कि वो जो रेज न्यूक्लियस तक गई वो कितनी तक गई होगी, ठीक है। मतलब ये रेज यहां तक गई, अब ये न्यूक्लियस के एकदम कितने करीब तक गई होगी, क्योंकि अगर टकरा जाती तो क्या होता, एटम ब्लास्ट हो जाते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अगर एक दूसरे से टकरा जाती तो एटम क्या हो जाता, ब्लास्ट हो जाते। क्योंकि अब देखो फेस, एक काम करो अब वायर चेक मत करना, सिर्फ और सिर्फ देखना, मैं बता रहा हूं, ठीक। मैंने क्या लिया, फेस लिया, पहले अर्थ लिया और फेस लिया, उसको बल्ब के साथ कनेक्ट कराया, भाई बल्ब जल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया मैंने, फेस लिया और फेस लिया, बल्ब के साथ कनेक्ट कराया, ब्लास्ट ब्लास्ट भाई, ओ हो मतलब एक तरह से पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के मैंने क्या करा दिया, फेस फेस पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को मैंने कनेक्ट करा दिया बल्ब के साथ, ब्लास्ट ब्लास्ट, इन दोनों के साथ कनेक्ट करा दो भाई, अब क्या होने जाएगा, स्पार्क होना चालू हो जाएगा। तो एक तरीके से एटम तो ब्लास्ट हो जाना चाहिए था, तो ब्लास्ट नहीं हुआ क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल्स, कोई भी अल्फा पार्टिकल्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि दैट वो न्यूक्लियस के जो कोर है, ठीक है, सिंपली कोर अभी समझ के चलो, उस कोर तक टकराई हो, टकराई ही नहीं, उससे पहले ही जाके वो सडन डिस्टेंस से पहले ही, कुछ माइक्रोस में डिस्टेंस से पहले ही वो वापिस वहां से आ गए, और वही माइक्रोस में जो डिस्टेंस है उसे डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच बोला जाता है। यहां पास कुछ रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होंगी, फोर्स क्रिएट होंगी जो कि ऐसा पूरा का पूरा कारण बन रही होंगी। रिपल्सिव फोर्स मतलब जो कि पूरा का पूरा अल्फा पार्टिकल को रिपल कर रही होंगी, या तो थीटा से, या तो 90 से, या तो 180 से, या 60 से, कोई भी एंगल से, ठीक है, 60-60 वाला तो है नहीं, थीटा एंगल से मत ये चलो। तो ये सारे रेस कर रही थी, तो वहां पास कोई ना कोई तो रिपल्सिव फोर्स रहा होगा, और उसी रिपल्सिव फोर्स को अपने को इसमें जाना है, ठीक है चलो। तो ये रिपल्सिव फोर्स क्या है, कूलम फोर्स होगा, चलो नेक्स्ट हो गया। एक स्क्रीनशॉट ले लो और जस्ट डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच में आते हैं, और फाइनली ये टॉपिक को यहीं कंप्लीट करते हैं आज का, नेक्स्ट चलो फटाक से रब कर देते हैं। अब ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये तो मालूम चल गया कि भाई की ऐसा ऐसा है, और एटम के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस स्पेस प्रेजेंट है, तो एटम का एक नया स्ट्रक्चर तो हम देखे जाएंगे, रदरफोर्ड ने बोला। चलो तो फिर उससे पहले उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, और जैसे कि डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेरिमेंट, या फिर मेजर एक्सपेरिमेंट ही हम माना जाएगा। चलो तो डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ CLOGEST closest approach, आखिर फाइनली कितने डिस्टेंस तक जाएगा, तो उस डिस्टेंस को जनरली हम निकालेंगे। तो उसके लिए आप, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल्स इसकी ओर जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स इसकी ओर जा रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स फाइनली कितनी दूरी तक जाएगा, उसी वाले ये सर्टन डिस्टेंस जो वहां पास से इसकी क्या हो जाएगा, रेडियस आर नॉट आ जाएगी, यानी पूरा शुरू समझो ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच एक बार सुनो, देखो एक पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस की ओर इस तरह से जा रहा है, अब वो न्यूक्लियस की ओर पहुंचने से जस्ट पहले ही क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। मतलब शुरू में उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी, जिस काइनेटिक एनर्जी के कारण वो आगे जाके मूव कर रहा था। अब फर्दर एक पॉइंट ऐसा आया होगा जहां पास उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई होगी, मतलब वो वहीं पास रेस्ट पोजीशन पे ऐसा हुआ होगा, जब पूरे का पूरा ये अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी एकदम पॉइंट पे जाके रुक गया, तो कौन सा पॉइंट आया होगा, जब वो रेस्ट पे गया होगा, मतलब उसी समय पे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई होगी, और यही काइनेटिक एनर्जी वहां ट्रांसफॉर्म हो जाती है एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है।
अब यहां पास से एक फोर कूलम्स रिपल्सिव फोर्स है इसके ऊपर अप्लाइड होता है और जो ये पोटेंशियल एनर्जी को फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और इसे फिर से उसी जिस डायरेक्शन से जा रही थी उसी के अपोजिट डायरेक्शन में उसी को फिर से वापस भेज देती है। ठीक है, तो यहां पास काइनेटिक और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी समझ के चलना, कैसे वर्क किया, कैसे आया। ठीक, चलो, तो ये भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट था। अब जिस ये आखिरी पॉइंट तक जहां तक जाएगा और जिस पॉइंट में उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस अप टू विच अल्फा पार्टिकल्स कैन मूव। एक बार और, ठीक है, डिस्टेंस एक मिनिमम डिस्टेंस जहां तक अल्फा पार्टिकल जा सकता है और उस न्यूक्लियस से उसी दूरी को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच को हम आर नॉट से डिनोट करते हैं। आर नॉट इज अ बेसिकली डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। तो फाइनली डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच को निकालते हैं और इस एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो क्या होगा काइनेटिक, कुछ इसमें मैंने बोला शुरू में काइनेटिक एनर्जी स्टोर हुआ होगा, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या रहा होगा, पहले काइनेटिक एनर्जी इक्वल रहा होगा 1/2 mv² के इक्वल रहा होगा। अब इसमें मैंने बोला कि कुछ पोटेंशियल एनर्जी फाइनली स्टोर हुआ है, इसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी रहा होगा, यानी एनर्जी जो कि क्या होता है के Q² / r0 होता है, KQ² / r होता है, और फाइनली इस रिलेशन के रिस्पेक्ट में हम लिखते हैं यानी डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच के, तो U = 1/4π ε0 Q की वैल्यू, K की वैल्यू क्या होती है 4π ε0। ठीक है, Q की जगह क्या लिख देंगे, एज अ इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए E कंसिडर कर लेते हैं। Z into E क्या मान लेते हैं, अब ये Z क्यों ले रहा हूं, हो सकता है कोई Z एटॉमिक नंबर का हो, या तो ये जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है कि एक चार्ज हो। अब ये Z E क्या है ये फिर से समझा दो भाई, ठीक है, बाद में मेरे कंफ्यूजन ना करे। देखो, अब हर बार तो ऐसा है नहीं कि हम हीलियम का हीलियम के साथ ही एटम के साथ देखेंगे, यहां मैंने Z E क्यों लिखा है, क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट एजेंस के साथ ये कॉन्सेप्ट को यूज कर सकता हूं कि आखिरकार ये कितना तक जा रहा है, इन सोडियम के कितने पास तक जा रहा है न्यूक्लियस के। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिफरेंट, तो जैसे यहां किसके लिए यूज किया गया था, गोल्ड के लिए यूज किया गया था, तो जेड एटॉमिक नंबर ऐसा गोल्ड का आएगा और उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये सारे की सारी चीजें। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, ये आता है किसके लिए, 2 into E, अपने को तो मालूम है किसके लिए निकालते हैं, विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट टू किसके चार्ज के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ये हम हीलियम के चार्ज के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो हीलियम का कितना होता है 2 होता है, तो 2 into E। चलो, ये समझ आ गया। आर की जगह क्या लिख देंगे, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब आर नॉट, और सिंपली ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, क्योंकि जो अपने पार्ट एट आर रेस्ट पॉइंट पे, रेस्ट पॉइंट पे आर नॉट वैल्यू पे, ठीक है, रेस्ट पॉइंट पे अपने पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम सिंपल इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/4π ε0 Ze into 2E/r0, और सिंपली r0 के रिस्पेक्ट में पूरे रिलेशन को ले आते हैं तो आखिरी में अपने पास रिलेशन भी आ जाएगा। तो ये r0 यानी r0 इज इक्वल टू 1/2 mv² उधर साइड चल देगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4π ε0 × 2 ये Z into 2 into E² क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा अपने पास 2। ये Z और E में मेरा थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं एकदम सेम टू सेम दिख जाता है, इसको कलर कर देते हैं, आप सही है। चलो, तो ये क्या क्रिएट कर लेगा मेरा, 2E² × Z, क्लियर है, हाँ क्लियर है। और ये वाला वैल्यू जस्ट इधर चल दिया है क्योंकि आर नॉट को उधर भेज दिया हूं, तो ये आ जाएगा अपना mv² × 2, और फर्दर इसे सॉल्व कर दोगे तो ये 2 ये 4 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और ये अपने पास वैल्यू आ जाएगा टोटल E² × Z /
पाई एफ सेवन नॉट इंटू एम बी का स्क्वायर, और ये आ जाएगा अपना आर की वैल्यू फॉर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के लिए, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। तो फाइनली ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, एचडी वीडियो है, चलो ठीक है, अच्छा क्वालिटी बना रहा है भाई आज वीडियो का, ठीक है। तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा जहां तक कोई अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के पास जा सकता है, बाकी उसके पास नहीं जाएगा, वो आ जाएगा उसका डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। तो फाइनली आई थिंक सो ये टॉपिक यहीं तक कंप्लीट करते हैं, और आई थिंक सो समझ आ गया सारा का सारा चीज, और कुछ अभी डाउट आया हो तो फ्रीली कमेंट करके बताओ भाई, अच्छा लगा वीडियो तो। अब मैं काफी थक गया हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत। डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, नोट्स मिल जाएंगे वहीं पर, पासवर्ड दे देना जेपी वर्ल्ड खोलने के लिए। तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।